शहर राजनंद जिले की जहां पर धूर गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लॉकडाउन की अवधि में सेवा भावी संस्था मां पाताल भैरवी के अध्यक्ष राजेश मारू ग्रामीणों को सूखा राशन देने का काम कर रहे हैं। इस गांव में कुल 15 परिवारों के 75 लोग और पास के ही गांव पुजारी टोला के 9 परिवारों को 40 लोग इसमें रहते हैं, जहां शासन प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सेवा भावी संस्था द्वारा लगातार ऐसे गांव को चिन्हित किया जा रहा है और वहां सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। राशन मिलने से ग्रामीण बेहद खुश हैं और संस्था को दुआएं दे रहे हैं। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, अपन घर में जो भी है वही खाओ पड़े रहो, नहीं है दुकानदारी कुछ भी नहीं। 75 आदमी है, पैसा कौड़ी नहीं झोंके हम ना, साग भाजी नहीं झोंके हम भी। फिर कैसे करो तो अभी कैसे कर वो बाबा काला बताबो, अब कल काट नहीं करे हमला तो नहीं है खाए पिए के, वो चंगेज भल्ला दे है साग ना भाजी, पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिले। साग सब्जी कहीं पर हमारा बहुत दिक्कत है, यदि घर घर में रखन अब कोई सब्जी भाजी वाले आ जाते थे खरीद लेते। अच्छा, नहीं तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बोली दवाई कुछ नहीं और कुछ काम नहीं, अब काम ते काम अभी बंद होते वो तो बात ठीक है, लेकिन कहीं भी तो मिलना चाहिए। ओंकारेश्वर के मूर धड़ी गाँव में